जहाँ तक सपा का सवाल है, सपा उस संशोधन की मुखालिफत नहीं करेगी, लेकिन क्योंकि सपा के मैनिफेस्टो में मुस्लिम रिजर्वेशन का वायदा है, इसलिए सपा अपने उस वायदे से पीछे नहीं हट सकती। आपने देखा है कि हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन को असंवैधानिक बता दिया। हम तो सम्मान करते हैं, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने प्रमोशन के सिलसिले में फैसला दिया है, उस फैसले के बाद कांग्रेस ने संविधान संशोधन की घोषणा की है। तो संविधान संशोधन की घोषणा हमारे लिए पहले हो जाना चाहिए थी, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कांग्रेस को कहना चाहिए था कि हम संविधान संशोधन करके मुसलमानों का रिजर्वेशन कराएंगे। अगर कांग्रेस प्रमोशन में दलित रिजर्वेशन का संशोधन करा सकती है, तो देश की दूसरी बड़ी आबादी मुसलमान, जिनकी हालत दलितों से बदतर है, बकौल सच्चर कमेटी के, तो ये भी करा सकती है। अब ये बस सिर्फ मुनहसर करता है कांग्रेस के मैनेज करने पर और उसकी नीयत पर। अगर उसकी नीयत सिर्फ रिजर्वेशन में दलित आरक्षण के लिए संविधान संशोधन कराना है तो वो करा लेगी, और अगर मुसलमानों का भी वोट चाहिए है तो इसे भी कराएंगे।